सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आज रुका भवन में आए और आज एक मुद्दा पर हम चर्चा करेंगे। जैसे सभी को पता है और सभी लोग हम जानते हैं कि हमारा जीवन में औलाद बच्चा कितना मूल्यवान है। आज बच्चे हमारा परिवार में, हमारा देश में बच्चों का क्या महत्व है और ये महत्व को लेकर जितना भी संस्था है बच्चों के लिए काम करती है, यूनिसेफ हो, सेव द चिल्ड्रेन हो और आशादी फाउंडेशन हो, इस तरह की कई संस्था काम करती है। उसका साथ साथ बहुत सारे धार्मिक संस्था भी है, जैसे कि चर्च है, मंदिर है, मस्जिद है, ये भी बच्चों के लिए बहुत सारे काम करते हैं। और बोला गया कि बच्चों, आज का बच्चा कल का भविष्य है और बच्चे देश का भविष्य है। अगर आज का बच्चा काल का भविष्य है तो आज का बच्चे के लिए हम क्या करते हैं और देश का जिम्मेदारी क्या है, हर माँ बाप का जिम्मेदारी क्या है। अगर बच्चे को माँ बाप अच्छा माहौल दे नहीं पाते, अच्छा परवरिश कर नहीं पाते क्योंकि माँ बाप गरीब है, क्योंकि माँ बाप के पास बहुत सारे बच्चे हैं, एक से ज्यादा, दो से ज्यादा बच्चे हैं और माँ बाप का कोई कमाई नहीं है बच्चों को बेहतर जिंदगी देने के लिए। लेकिन उसी बच्चों को हमारे देश से देश और पूरा देश, संसार का पूरा देश क्या लाद है बच्चों के लिए, जो बच्चा अनाथ है, जो बच्चे का माँ बाप गरीब है, उन्हीं को लेकर देश का क्या प्लान है, देश क्या सोचता है, उसका साथ साथ हम लोग क्या सोचते हैं, मंदिर मस्जिद चर्च क्या सोचता है, खास करके चर्च का क्या रोल है बच्चों को लेकर। इसीलिए बोला गया कि बच्चे जो परमेश्वर का देन है, चाइल्ड इज द गिफ्ट ऑफ गॉड, चाइल्ड इज द इनहेरिटेंस ऑफ गॉड। अगर ये हम महसूस करते हैं बच्चा परमेश्वर का देन है तो बच्चों को हम किस तरीके से ख्याल रखना चाहिए। शास्त्र बताती है बच्चे अच्छा से दिए, डोल डाल से दिए, शारीरिक विकास हो उसका, आत्मिक विकास हो उसका, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, उसका कम्युनिकेशन बढ़िया से डेवलपमेंट हो और वो स्पिरिचुअल में डेवलपमेंट हो, जो चारों तरफ जो होल टोटल डेवलपमेंट जो कॉन्सेप्ट है बच्चों को मिले, ताकि बच्चे एक होलिस्टिक रूप से, टोटल डेवलपमेंट के रूप से, होल डेवलपमेंट के रूप से बच्चे ग्रो करें। और बच्चे जब ग्रो करेगा, बच्चे को सारे सुविधा मिलेगा, तो आने वाले समय में बच्चों का, देश का भविष्य बेहतर बनेगा। हम चाहते हैं कि सभी लोग अपना अपना जिम्मेदारी लें, ना सिर्फ गवर्नमेंट, ना सिर्फ संस्था, ना सिर्फ बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, नो, एवरी इंडिविजुअल का भी रोल है, ताकि बच्चों को हमें मदद कर सकते हैं। इसीलिए आप सभी को पता होगा तो बच्चों का जो अधिकार है, बच्चों का जो बढ़ने का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, बच्चों को हेल्थ का जो अधिकार है, उसको तय किया गया है जो UNCRC, जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर द
राइट्स ऑफ द चाइल्ड हम पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारे जिम्मेदारी दिया गया है। बच्चों का अधिकार क्या क्या है, बच्चों का अधिकार क्या है और अधिकार को बच्चा कहां से मिलेगा, कौन दिलाएगा ये अधिकार को, अधिकार देने वाले कौन है और बच्चे को ये अधिकार मिलना चाहिए, अधिकार बच्चे से कहां से मिलेगा, मिलेगा माँ बाप देंगे, जो सर्विस प्रोवाइडर है डिस्ट्रिक्ट लेवल में, गांव लेवल में, ब्लॉक लेवल में, स्टेट लेवल में, नेशनल लेवल में, बहुत सारे बच्चों के लिए व्यवस्था है, वो व्यवस्था बच्चों तक पहुंचना चाहिए। जैसे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, वो बच्चों तक पहुंचना चाहिए और उसको दिलाने के लिए बहुत सारे मॉनिटरिंग यूनिट है, अथॉरिटी है, ये लोग उसको मॉनिटर करे और बच्चों तक सारे सुविधा बच्चों तक पहुंचे। इवन तो गरीब से गरीब बच्चों को जो ICDS स्कीम है वो पहुंचे, उन्हीं के लिए है, लेकिन ये कितना पहुंचता है वो हर इंडिविजुअल का जिम्मेदारी है और हर इंडिविजुअल जागरूकता हो और ये अपना गांव में, अपना अपना मोहल्ला में ICDS आंगनबाड़ी का प्रोग्राम चल रहा है उसको प्रॉपरली चलता है, लेकिन हमारा देश की नागरिक उसमें कोई सीरियसनेस नहीं है, उन्हीं का प्रोग्राम वो चलते रहेगा। नो, एवरी इंडिविजुअल हैज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। इसीलिए भारत एक मेंबर है यूनाइटेड नेशन का और उन्होंने साइन किया है जो भी बच्चों का राइट्स है वो पूरा राइट्स बच्चों को दिया जाएगा, साइन किया रखा और उसी साइन पे बच्चों के लिए कानून बनता है, कानून बनके वो अगर कानून को कोई वायलेट करता है, मानता नहीं है, उसको सजा का भी व्यवस्था है। जैसे इंडिया में बहुत सारे बच्चों को लेकर कानून बना है, UNCRC तो है ही है, उसका साथ साथ बच्चे चाइल्ड लेबर ना करें, चाइल्ड लेबर के लिए कानून है, बच्चा बाल विवाह ना करे उसके लिए कानून है, बच्चों को यौन शोषण ना हो, सेक्सुअल अब्यूज ना हो उसके लिए कानून है और बच्चे को बेहतर देखभाल करे, जैसे सड़क में बच्चा रहते हैं भीख मांगते हैं, इस तरीके का बच्चे बहुत सारे बच्चे हैं पूरा दुनिया में, उनके लिए कानून बना है। इंडिया में जैसे जुबिनाइल जस्टिस एक्ट बना है, उसमें कई तरीके का सुविधा दिया गया है, अगर बच्चों को इस तरीके के बच्चे हैं जो सुविधा नहीं पा रहे हैं तो उसी एक्ट के जरिया से जो सर्विस प्रोवाइडर है उनको भी जिम्मेदारी है, उनको भी अकाउंटेबल, वो भी अकाउंटेबल है, माँ बाप अकाउंटेबल है, सरकार अकाउंटेबल है, ताकि वो जवाबदारी होगा और बच्चों को एक बेहतर माहौल मिलेगा। बाइबल बताता है कि लिखा है कलम में कि बच्चों को एक सर्वांगीण विकास के लिए मॉडल बना जाए ताकि हर बच्चों को बेहतर खाना मिले, बेहतर पेंशन मिले, बेहतर खेलकूद की व्यवस्था मिले, बेहतर एजुकेशन मिले और बेहतर जिंदगी वो जी सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की वजह है कि इंडिया में बोलकर नहीं, बहुत सारे देश में बच्चों को बहुत शोषण हो रहा है, बच्चों को बहुत एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। आंकड़ा मिला कि हिंदुस्तान में एक दिन में 109 बच्चों को यौन शोषण हो रहा है, 109 बच्चे एक दिन में, कितना बड़ा घटना है। और तकरीबन एक घंटा में 3 बच्चों को रेप हो रहा है, 3 बच्चों का रेप हो रहा है और 5 बच्चों का सेक्सुअली असॉल्ट हो रहा है, यौन शोषण हो रहा है, ये चिंता की विषय है। इसीलिए चर्च बच्चों को किस नजरिया से देखता है, चर्च का क्या रोल है बच्चों को लेकर और चर्च का जो मेंबर है वो किस नजरिए से बच्चे को देखता है,
और बाइबल किस नजर से बच्चों को देखते हैं? बाइबल बताता है कि बच्चे परमेश्वर का देन है, गिफ्ट ऑफ गॉड है, और बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए बच्चों को एक सुविधा मिले। इसीलिए बहुत सारे चर्च संडे स्कूल बोलकर एक प्रोग्राम है, संडे में भी बच्चों को स्कूल करें और उन्हीं बच्चों को इस तरीके का एक सर्वांगीण विकास के लिए वो संडे स्कूल में बच्चों को प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाए, ताकि बच्चे बड़ा होकर एक जिम्मेदारी नागरिक बन सकता है, एक जिम्मेदारी नागरिक बन सकता है, एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सकता है, और ये चर्च का रेस्पॉन्सिबिलिटी। और सिर्फ ये नहीं कि चर्च का बच्चों को ही देखेगा, नो, चर्च में एक आउटरीच प्रोग्राम का मॉडल होना चाहिए, जहां पर बच्चों की जरूरत है वहां पर जाकर बच्चों को जरूरत पूरा करें, और जो गवर्नमेंट का सुविधा है वहां पर भी दिया जाए। लेकिन इतना बच्चे हैं, गवर्नमेंट का जो सुविधा है हर बच्चों को पूरा हो नहीं पाएगा, इसीलिए बहुत सारे संस्था है, बहुत सारे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे चर्च है, बहुत सारे मस्जिद है, बहुत सारे टेम्पल है, मंदिर है, मस्जिद है, उनका भी रोल बनता है, जो सरकार की तरफ से पूरा हो नहीं पा रहा है, हम उसको सभी मिलकर बच्चों के लिए पूरा करें, अपना अपना लेवल में बच्चों को पूरा करें, ताकि बच्चों को कोई भी परेशानी ना हो। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी या हैरान भी होगी, बहुत सारे बच्चे सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा है, शुद्ध पानीय जल नहीं मिल रहा है, उनका मृत्यु हो रहा है, पौष्टिक और आहार नहीं मिलता है बच्चों को, बहुत सारे बच्चे माल न्यूट्रिशन होकर उनका मृत्यु होता है, और बहुत सारे बच्चे जन्म होने का समय में मृत्यु हो जाता है, क्योंकि माँ को बेहतर देखभाल हो नहीं पाया जो बच्चे को सिर्फ किए हैं। ये सारे दुख के विषय, चिंता के विषय है, इसीलिए चर्च का जिम्मेदारी बनता है कि बच्चा जन्म होने से पहले भी जो प्रीनेटल केयर है उसको भी प्रेगनेंस लेडी को दिया जाए, उसका साथ साथ जो बच्चा जन्म होता है उसका बाद भी बच्चों को बेहतर सुविधा हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, देखभाल की बेहतर हो, ताकि बच्चा एक बेहतर बच्चा बन सकता है। और ये भी जरूरी है कि बच्चा जब बड़ा हो जाता है, बच्चों का तब नैतिकता क्या है, मोरल एजुकेशन बच्चों को किस तरीके से दिया जाता है। बच्चे हम देखते हैं आशादी फाउंडेशन जैसे बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, है? तो हम जानते हैं कि शुरू से कि बच्चे को जो माहौल मिलना चाहिए वो माहौल मिल नहीं पा रहा है, कुछ छोटे बच्चों को मिल रहा है यार, बहुत सारे बच्चे को इस तरीके का माहौल नहीं मिल रहा है, बच्चों का भाषा ठीक नहीं है, बच्चों का रहन सहन ठीक नहीं है, बच्चों का बोल चाल ठीक नहीं है, बच्चे फिर बुरा होकर बच्चे जो काम करना चाहते हैं उनका सोच डेवलप होता है, वो सोच भी सही नहीं है, एक दूसरे से नफरत की सोच भर जाता है। लेकिन बच्चों को जब हम बड़ा करते हैं, बच्चों को इस तरीके का मोरल एजुकेशन, इस तरीके का एजुकेशन दे, ताकि बच्चे एक ह्यूमैनिटी सेंटर बने, वी द पीपल बोलकर वो सोचे, सभी को बराबर माने, ना हिंदू ना मुस्लिम, ना ऊंचा ना नीचा, ना जात ना प्रांत, सभी को हटकर ये एक बढ़िया इंसान बने, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ द कंट्री, वी द पीपल ऑफ द नेशन, वी द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, इस तरीके का फीलिंग हो, वी फीलिंग हो, अरे आप तो दूसरा जाति का, आप दूसरा धर्म का, आप दूसरा प्रांत का, इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। और UNCRC का जो बेस्ट जो प्रिंसिपल है, देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन, लिखा गया है शॉर्टिंग लिखा गया है, देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन अमंग द चिल्ड्रन, एवरी चाइल्ड
had a right to grow equally. ये UNCRC बोलता है, ये Juvenile Justice Act में लिखा है, तो हर एक हर कानून इंडिया का संविधान में ये लिखा है। संविधान में आप देखोगे आर्टिकल 21 में जो पढ़ोगे तो उसमें लिखा है एवरी चाइल्ड शुड इक्वल, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, आज सभी बच्चे कहीं ना कहीं एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। कुछ कम बच्चे पार्टिसिपेट करता है और बहुत सारे बच्चे रह जाते पीछे, तो हमारा जिम्मेदारी बनता है कि एवरी बच्चे पार्टिसिपेट करे, अपना बात रखे, माँ बाप उसको सुने, सुनकर उसको बच्चों को एक बेहतर माहौल दे। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा गैप है माँ बाप और बच्चों का बीच में, टीचर और बच्चों का बीच में है, और कम्युनिटी लोगों का बच्चों का बीच में। बच्चा हटते जा रहे हैं, हमें सभी बिजी हो रहे हैं, बच्चों को टाइम दे नहीं पा रहे। तो एवरी पेरेंट्स एवरी इंडिविजुअल बच्चों के लिए टाइम देना जरूरी है, बच्चों को हालचाल पूछना जरूरी है, और बच्चे छूटते जा रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया आया है, डिजिटल मीडिया आया है, बच्चों को अगर माँ बाप बच्चों के साथ अगर क्लोजली बात नहीं करेंगे तो बच्चे और कहीं भटक जाएगा और दूसरा रास्ता में चला जाएगा, सोशल मीडिया में इन्वॉल्व होगा, कहीं ना कहीं बच्चों को एक्सप्लोइटेशन और एक्सप्लोइटिव होने में कोई रोकेगा नहीं, तो खतरा में बच्चा पड़ेगा। इसीलिए सर्च का रोल बनता है, हमारा रोल बनता है कि बच्चों को बच्चों के हिसाब से उसको देखभाल करने की जरूरत है। इसीलिए प्रोबक में लिखा है एक बच्चा, बच्चों को ऐसे ट्रेनिंग दो जो बच्चा चाहता है, बच्चों को ऐसे एजुकेशन दो जो बच्चा चाहता है, बच्चों को ऐसे ट्रेनिंग दो जो बच्चा चाहता है। लेकिन कुछ कुछ चीज ऐसे हम करते हैं कि बच्चों को जरूरत नहीं है, वो एजुकेशन जरूरत नहीं है, वो ट्रेनिंग जरूरत नहीं है, लेकिन थोप देते हैं है बच्चों को। लेकिन एक बेसिक एजुकेशन के बाद बच्चों का अंदर कौन सा प्रतिभा, कौन सा स्किल है, कौन सा एबिलिटी है, उसी स्किल को इसी प्रतिभा को बच्चों को आगे बढ़ाओ तो बच्चे बहुत बेहतर बनेगा। और आने वाले समय में जैसे आसादी फाउंडेशन जरूरतमंद बच्चों के लिए काम करता है, जो बच्चा हाई रिस्क में है, जो बच्चा सड़क में है, जो बच्चा विकलांग है, मेंटली रिटायर है, हैं, जो खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, ऐसे बच्चों को हमने कई बच्चों को वहाँ पर होम में रख कर उनको एक जीवन, एक बेहतर जीवन देने के लिए हमने कोशिश किया है। बहुत बच्चा अभी बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, उनका परिवार सेटअप है और अच्छा नौकरी कर रहे हैं, अच्छा परिवार है, इस तरीके से जी रहे हैं। तो आसादी फाउंडेशन जैसे बहुत सारे संस्था भी इस तरीके से काम कर रही है, लेकिन इतना काफी नहीं, और भी हमें जोश का साथ और भी हमें मेहनत करके बहुत सारे बच्चों को ये सुविधा पहुंचाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में जो बोला गया है कि चाइल्ड इज द गिफ्ट ऑफ गॉड, वो गिफ्ट को हमें एक बेहतर गिफ्ट बना सकते हैं, वो गिफ्ट को हमें बेहतर जिंदगी दे सकते हैं। और आज एक देश दूसरा देश को नफरत क्यों करता है, एक धर्म दूसरा धर्म को नफरत क्यों करता है, एक जात दूसरा जात को नफरत क्यों करता है, उसका कारण क्या है। अगर बच्चों को अगर हम